हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक शॉकिंग न्यूज़ के बारे में। तो टिकटॉक है इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो पूरी तरह से बैन नहीं हुआ है, मतलब कि एप्पल स्टोर से पता नहीं पर प्ले स्टोर से उसे निकाल दिया गया है, ठीक है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप चाहे तो मैं आपको मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख। तो अभी हम प्ले स्टोर पे जाके यहाँ पे टिकटॉक सर्च कर सकते हैं, तो हमें टिकटॉक यहाँ पे नहीं दिखता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से नीचे जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ, टिकटॉक यहाँ पे नहीं है। तो यार आपने देखा कि टिकटॉक को प्ले स्टोर से हटाया गया है, ठीक है। तो टिकटॉक को पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है, मतलब कि जिनके मोबाइल में पहले से टिकटॉक था वो आसानी से टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं, पर जो नए यूजर्स ज्वाइन हो रहे थे वो अभी ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि प्ले स्टोर में ही टिकटॉक नहीं है, तो वो डाउनलोड नहीं कर सकते। शहरी से टिकटॉक लेके इंस्टॉल हो करके मतलब चालू होता है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। जो टिकटॉक के बड़े सेलिब्रिटीज थे, मतलब कि बड़े यूजर्स थे जिनके 10-15 मिलियन फॉलोअर्स थे, उन्होंने मतलब कि टिकटॉक के बारे में क्या बोला है, मतलब कि उनका रिएक्शन क्या है, वो मैंने रिकॉर्ड किया है। ज़्यादा कुछ वीडियो मुझे नहीं मिले, जो भी मिले मैंने टिकटॉक से डाउनलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर्स क्या टिकटॉक बैन होने वाला है? बैन बैन को पता नहीं, पर ये हियरिंग अभी होने वाली है। बट इफ दिस बंदे को से आई होल्ड अ सुप्रीम कोर्ट इन हाई रिगार्ड, बिकॉज़ पिछले साल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दी कि वो प्रोग्रेसिव है। प्रॉब्लम हमारा कोर्ट नहीं है, प्रॉब्लम है आप और हम। भाई ये बैन की नौबत क्यों आई है? बिकॉज गंद तो हमने फैलाया हुआ है, हमने खुद जाके पोर्न अपलोड किया, हम जाके गंदे गंदे कॉमेंट्स लिखते हैं, हम गाली गलौज करते हैं। मैं तो इतने सारे वीडियोज में बोल बोल के थक गया कि भाई टिकटॉक इज अ हैप्पी प्लेस, उसको कीप इट हैप्पी। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ऐसे ऐसे वीडियोज अपलोड करती है, सिर्फ ये दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। दैट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, गूगल, दैट इज Here's the good part. पिछले कुछ महीनों में आपने नोटिस किया कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो, एक्चुअली वो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज़ टिकटॉक के सर्वर्स उसको चेक करते हैं कि भाई ये ठीक कंटेंट है या ऐसा अजीब सा कंटेंट है। कितने सारे वीडियो से डिलीट हो जाते हैं, वायलेटिंग कम्युनिटी गाइडलाइन। इतने सारे लोग हैं इस देश के छोटे छोटे गाँव में जिनको हम सब ने डिस्कवर किया है बिकॉज ऑफ टिकटॉक। तो एज अपोज टू ट्राइंग टू बैन द होल मीडियम, व्हिच ऑनेस्टली आई थिंक होगा नहीं, हमारी गवर्नमेंट बड़ी कूल है, आई हैव फुल फेथ, ये प्लीज वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि नहीं तो आज टिकटॉक के बैन के चक्कर में बात हो रही है, कल पूरा इंटरनेट बैन हो जाएगा। डू यू वांट दैट? नो राइट? थिंक अबाउट इट, सेफ हम सेफ इंटरनेट। बिग पुची। हाय ऑल टिकटॉक यूजर्स, मैं आप सबको बताने आया हूँ कि ये 2 दिन से जो टिकटॉक पे किसी के व्यू नहीं जा रहे, किसी की लाइक नहीं जा रही, उसकी वजह ये है कि परसों से टिकटॉक बंद होने वाला है हमेशा हमेशा के लिए। और ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये सब झूठ। सिर्फ भारत सरकार ही टिकटॉक को बंद कराना नहीं चाहती, हमारे घर के लोग भी चाहते हैं टिकटॉक बंद हो जाए, क्योंकि जब भी वीडियो बनाता हूँ कहते हैं कमाना धमाना कुछ है नहीं, दिन भर वीडियो बनाता है। तो ये कुछ टिकटॉक यूजर्स के रिएक्शन थे जो आपने वीडियो में देखे, ठीक है। तो अभी बाकी जो बड़े टिकटॉक यूजर्स हैं उनके तो मुझे वीडियो नहीं मिले, जैसे ही मैं वीडियो मिलेंगे मुझे तो मैं वीडियो दूसरी बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो यार जो ये टिकटॉक बैन हुआ है वो हमारी वजह से ही हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ फालतू के वीडियो अपलोड कर दिए, किसी ने पॉर्न्स अपलोड कर दिए, और लड़कियां भी कैसे वीडियो बना के अपलोड करते हैं आप सबको पता है। पिछली बार जब तेरा घाटा गाना आया था तो उस गाने पे 4 लड़कियों ने किस तरह से हरकत की थी आप सबको पता है, ठीक है। तो इसी वजह से ही टिकटॉक बैन हुआ है, ठीक है। तो कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है कि पूरी तरह से बैन करे या ना करे, ठीक है। जो भी मुझको मतलब जबकि मुझको अपडेट मिलेगा, नया अपडेट कुछ टिकटॉक के बारे में, तो मैं यार वीडियो करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।